हमारे क्लास में है, मतलब बी एम एस के आयुर्वेद की यहाँ रखते हैं, यूनानी की दूसरी तरफ रखते हैं। तो मैं घुमा देता हूँ, मतलब ये है भाई बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ पर वॉलीबॉल को टेबल टेनिस। और ये हमारे पीजी स्कॉलर में भाई 1 लाख रुपए सैलरी है, कुछ काम नहीं है, समझ रहे? अच्छा उधर हमारी जो है ना आयुर्वेद की क्लासेस लगती है, ये सारे यूनानी का ये भी मतलब यूनानी के लेक्चर, मतलब 6-6 रूम में डिवाइड कर रखा है। अच्छा। यूनानी के 6 रूम्स हैं, हमारे 6 रूम्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। ये है हर्बल गार्डन, मतलब ये हमारा सेकंड ईयर में ही आएगा, मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड है ना, तो इसमें क्या बेसिकली सारे जो मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह वो है काफ़ी सारे इधर, और वैसे ही बैठने वगैरह के लिए भी काफ़ी वो है, मतलब हर्बल्स काफ़ी सारे ऐसे पौधे वगैरह हैं जो मतलब हमारे काफ़ी यूज़ में आएंगे। अभी तो फर्स्ट ईयर में तो अभी ये सब कुछ आया नहीं, ये भी होना चाहिए। ये हमारा मेन ऑफिस, जब आप एडमिशन के लिए आओगे तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा। क्या करने के लिए? एडमिशन विथड्रॉ करने के लिए, जब इधर ले जाओ ओपीडी ले जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर जो है हमारे योगा रूम हो गया, और भी 2-4 चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो फिजियो लैब, अभी तो हमारी मतलब टूट गई है तो वो बंद से फिर से रेनोवेट कर रहे हैं, या फिर फिजियो लैब है, ठीक है, पैथोलॉजी की लैब वगैरह भी यही है। सेकंड थर्ड ईयर में जो आएगा मेरा डिपार्टमेंट, कि थर्ड ईयर में ना आयुर्वेद में योगा भी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो थर्ड ईयर में योगा भी एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर योगा रूम भी है, यहाँ पर अभी फिजियो लैब है वो भी उसमें चल रही है, ओपीडी अभी आगे है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेकोलॉजी वहाँ पर है, फार्मेसी वगैरह होगी ना, वो हमारे सेकंड थर्ड ईयर में आती है, तक है सेकंड ईयर में आती है फार्मेकोलॉजी, वो डिपार्टमेंट है फार्मेकोलॉजी का। यहाँ पर एक दो वही वो बने फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट है अंदर, आयुर्वेदा फार्मेकोलॉजी का। रोल नंबर 2 प्रेजेंट है, ये यूनानी का है डिपार्टमेंट कोई सा जी, पोस्ट ग्रेजुएट। ये यहाँ पर एक्सरे यूनिट है, टेस्ट वगैरह भी होते हैं, मतलब वो भाई एक्सरे वगैरह में मेरी मशीन यहाँ पे, सही बताऊं तो यहाँ का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कितने पेशेंट्स लमसम में देख लेते हैं, आज तो शायद कम वो होगी बट वैसे रहते हैं, मतलब हमेशा लाइन लगी रहती है, इतना पता है हमें भाई। फ्री की मेडिसिन मिलती है, कभी कुछ आना तो यहाँ आ जाना। यहाँ पर ओपीडी है, उधर ओपीडी लाइन में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर टेस्ट वगैरह भी हो रहे थे, अभी तो कोरोना के खैर अब तो बंद हो गए, इतने ज्यादा टेस्ट वगैरह तो नहीं हो रहे। गायनी से रिलेटेड भी यहाँ पर वो है, क्या नाम है उसका, ये डिपार्टमेंट है अलग से, ये मैटरनिटी ब्लॉक है, ये वाला जो है यहाँ पर, ये मैटरनिटी ब्लॉक है, मतलब यहाँ पर पेशेंट वगैरह भाई, मैटरनिटी ब्लॉक बहुत अच्छा है। यहाँ पर तो खैर आज बंद है क्या, आज ओपीडी का अभी तो टाइम खत्म हो चुका है, ओपीडी का वरना यहाँ पर हमेशा लाइन ही लगी रहती है। ओके, इंडिया में लोगों की कमी नहीं है तो लाइन तो यहाँ पर काफी ज्यादा रहती है। यूनानी की भी यही मिलती है, आयुर्वेदिक की भी यही मिलती है, भी हमारे मतलब मेडिसिन वगैरह होती है सारी यहीं पर है, ठीक है। जनरल सर्जरी हो गई, नॉर्मल शल्य चिकित्सा मतलब नॉर्मल जो चिकित्सा वगैरह होती है सारी इसी में ही है। होम्योपैथिक फार्मेसी, अब तो होम्योपैथी यहाँ पर है नहीं तो बंद नहीं रहता, यहाँ पर तो लाइन लगी रहती है क्योंकि अभी टाइम खत्म हो चुका है हमारा ओपीडी का। यहाँ पर ओपीडी के सारे वो बैठते हैं, अरे अंदर अभी तो कोई, ठीक है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह बने हुए हैं, जैसे कि काया चिकित्सा होगी, मेडिसिन नॉर्मल जो जनरल मेडिसिन होती है, होलोजिक मेडिसिन यूनानी वालों का है। हाँ, पेशेंट आते काफ़ी आते हैं, ये मतलब यूनानी का भी मिक्स है यहाँ पर और आयुर्वेद का मिक्स है, जैसे शल्य तंत्र सर्जरी वाला हो गया, जराइता सर्जरी वाला हो गया, अलग अलग टाइप की सर्जरी जो नॉर्मल होती है, ठीक है। ये यूनानी का आई और ENT, आईज नो थ्रोट, और बस यही सब है यहाँ पर मेन। यहाँ पर डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा है क्योंकि आयुर्वेद में डायबिटीज़ का बहुत अच्छा वो होता है। हमारी
पीजी के टीचर्स यहाँ पर हमारे यहाँ लगा देते हैं, कुछ पीजी दूसरी जगह भी चल जाते हैं, जो मतलब जिनकी इंटर्न चल रही होती है वो बाहर भी जाते हैं कहीं पर मेडिसिन वगैरह में, कोई ये पेड़ है और वो मतलब कॉलेज के अंदर के बट प्राइवेट ही है बेसिकली हमारा, ये एनाटॉमी की मतलब लैब के बगल से ये डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी है यहाँ पर देखो वगैरह में ऑर्गन्स रखे रहते हैं, ऊपर भी ऑर्गन्स वगैरह हैं काफ़ी सारे, देखो वो देख रहे हो वहाँ पर जूम कर लो, उसमें सब में ऑर्गन्स हैं, ठीक है एम्ब्रियो वगैरह भी रखा होता है। ऑल थैंक यू ये व्लॉग कराने के लिए, एंड अब इन द लास्ट आप शॉर्ट में एक ओवरव्यू क्या देना चाहेंगे कॉलेज के, लाइक किस तरह का कॉलेज है? कॉलेज तो बहुत अच्छा है, ठीक है जिस मार्क्स पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर इंटर्नशिप वगैरह भी काफ़ी वो है, स्कोप वगैरह है, हर स्कोप में काफ़ी अच्छी स्टाइपेंड वगैरह भी मिल जाएगी, पढ़ाई वगैरह भी अच्छी खासी होगी। स्टाइपेंड कितना है? स्टाइपेंड है अगर आप इंटर्नशिप का 25,000 समथिंग कुछ है, और अगर आप पीजी करते हो यहीं से अगर कॉलेज मिल जाती है, यहाँ पर 50% रिजर्व भी है सीट से पीजी के, उसमें मिल जाएगी फर्स्ट ईयर जो पीजी में होगा फर्स्ट ईयर उसका आ जाएगी 94,000, सेकंड ईयर में 96,000 और लास्ट ईयर में तो 1 लाख से प्लस हो जाती है। ओके देन गवर्नमेंट जॉब तो के लिए तो आपको पेपर ही वगैरह देना पड़ेगा, यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा, काउंसलिंग ऑनलाइन ऑनलाइन जो आयुष की ऑल इंडिया जो आयुष की साइट पे। ओके एंड वही स्टेट और एआईक्यू दोनों के लिए? दोनों की सीट पे होगी और वेरिफिकेशन के लिए आपको ऑफिस आना पड़ेगा कॉलेज। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी? लास्ट ईयर कट ऑफ थी मेरे हिसाब से जनरल 565 मान लो, उसमें मिल जाता जनरल में लास्ट लास्ट, और जो ओबीसी की थी वो 540-535 तक मिल जाएगा, एससी की कम मान लो वही 50-60 नंबर कम हो जाती है। ओके तो जो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं आप उनको कोई एडवाइस या कोई सजेशन कुछ बेस्ट विशेज? हाँ ले लो, अगर आपको आना है तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया कॉलेज है, मज़ा तो आएगा ही ऑफकोर्स, अच्छे हैं, एरिया भी बहुत अच्छा है और टीचर्स अच्छे हैं, सीनियर्स बहुत एरिया, हाँ मेट्रो वगैरह सब अवेलेबल है, सारे व्हीकल्स वगैरह मतलब सारे बस वगैरह सारे बस स्टेशन पर, बस घूमने का मन करेगा, घूमने के लिए बहुत अच्छा एरिया, बहुत ज़्यादा बेस्ट। ओके तो थैंक यू सो मच, ओके बाय, ऑल द बेस्ट।